उत्तराखंड मिशन पर आम आदमी पार्टी 4 जनवरी को मनीष सिसोदिया का दौरा, सरकार और आप होगी आमने सामने। उत्तराखंड में 2022 की तैयारी में जुटी आप, प्रीतम सिंह ने आप त्रिवेंद्र मॉडल पर दी प्रतिक्रिया, कहा उत्तराखंड में आपका भविष्य नहीं। कोरोना से ठीक हुए उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत, एम्स से छुट्टी मिली, 2 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। लक्सर में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान का किया विरोध, शौचालय निर्माण को लेकर किया विरोध, विरोध करने का वीडियो वायरल। बादल कोहरे और बारिश से गिरा पारा, गलन भरी सर्दी से कांपे मैदान और पहाड़, देहरादून के कुछ इलाकों में हुई बूंदाबांदी। और वैक्सीन पर सबसे बड़ी खबर, एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश के बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आज मिल सकती है मंजूरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से, जहां एक तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता के बीच प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर डिबेट होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस डिबेट पर विपक्ष ने हमलावर हो गया है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने बीते 4 वर्ष में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसको वो गिना सके। वहीं इस दौरान प्रीतम सिंह ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा, आम आदमी पार्टी चाहे कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन उत्तराखंड में उसका भविष्य नहीं है। यानी अपनी बातों में कांग्रेस ने साफ कर दिया कि चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी, 2022 में सत्ता की कुर्सी पर कांग्रेस ही बैठेगी। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसा काम किया नहीं है जिसके आधार पर सरकार कोई अपनी उपलब्धि गिना सके, तो नूरा कुश्ती हो रही है। देखिए, आपका कोई भी नेता आ जाए, लेकिन कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य के अंदर आपका नहीं है। नूरा कुश्ती करते रहें, एक दूसरे को कुछ कहते रहें, पर लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। खबर रुद्रपुर से, जहां किच्छा चीनी मिल पेराई सत्र में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों से बार बार पेराई बाधित होने को चीनी मिल अधिशासी निदेशक रुचि मोहन रयाल ने बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने चीनी मिल इंजीनियर को तकनीकी दिक्कतों व बॉयलर दीवार को जल्द से जल्द ठीक कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि चीनी मिल में लगभग 60 साल पुरानी मशीनों में अचानक कुछ तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं। मिल के आधुनिकरण के लिए सरकार को समय समय पर प्रस्ताव भेजे गए हैं। वहीं रविवार को चीनी मिल में सभी कांग्रेसी ब्लॉक व शहर कांग्रेस के नेतृत्व में इकट्ठा होकर भाजपा सरकार की उदासीनता के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली बाहर कोतवाली पुलिस के द्वारा जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें बिना मास्क, हेलमेट और 3 सवारी बिठाने वाले लोगों का चलान काटा गया है। इस दौरान किसी भी वाहन को सीज नहीं किया गया, वहीं कुछ लोगों को सख्त हिदायत भी देकर छोड़ा गया है। कोतवाली रुड़की में तैनात SI BS चौहान का कहना है कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पूरे जिले में क्या पूरे उत्तराखंड में चल रहा है, और ये SSP महोदय का आदेश है, बिना मास्क, बिना हेलमेट और डिस्टेंस वगैरह ये चालान जो है लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। अभी 2-3 हम लगे हुए यहाँ पे और रोक रोक के जो है मास्क के ऊपर समझा भी रहे हैं कि मास्क पहनो, और जो नहीं पहन रहा है, जो अनलीगल है, उसका चालान भी कर रहे हैं। खबर सरोवर नगरी नैनीताल से, जहां नए साल में वीकेंड की छुट्टियों के चलते भारी संख्या में सैलानी पहुंचने लगे हैं और सुनसान पड़ी सड़कों पर रौनक बढ़ने लगी है। वहीं शहर में वाहनों की बढ़ती आवाजाही से नैनीताल ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटकों की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहां नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को घंटों अपनी गाड़ियों में पसीना बहाना पड़ रहा है, क्योंकि नगर की पार्किंग वाहनों पूरी तरह पैक हो चुकी है। वाहनों के दबाव को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा नैनीताल के बाहर ही आने वाले वाहनों को कुछ समय अंतराल के बाद रोककर भेजा जा रहा है, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की कतारें लग रही हैं। लोग मेरठ से हैं और हम लोग फैमिली ट्रिप के लिए नैनीताल आए थे,
जैसे कि कोविड की वजह से बहुत टाइम से हम लोग कहीं गए नहीं थे, तो यहाँ पे इंजॉय अच्छा हो रहा है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की ग्रीनरी, शुद्धता, सब बहुत मज़ा आ रही है। यहाँ तो बहुत क्लीन एटमॉस्फेयर है, बहुत ही मज़ा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत उम्दा अनुभव रहा हमारा, और अभी हमारा एक दो दिन का और स्टे है, अल्मोड़ा वगैरह भी जाएंगे आगे। और हॉस्पिटैलिटी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये लगातार 30 तारीख से कंटिन्यू काफ़ी भीड़ आ रही है और पर्यटक काफ़ी असंख्य संख्या में पहुँच रहे हैं, और जिस कारण जो है गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं। लेकिन धीरे धीरे पुलिस जगह जगह पुलिस बल्कि नियुक्ति कर रखी है कई पॉइंटों पर, ताकि जो आपका जो है गाड़ियाँ सुचारू रूप से चल सके। नगर जिले में अलग अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं पंत नगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला की ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गई और जिसपे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। कल रात्रि में जयनगर नंबर 5 से एक सूचना आई कि एक पिकअप का चालक, जो कि पिकअप को काफ़ी रैशली ले जा रहा है, उसने दो तीन गाड़ियों को हिट कर दिया। तो ये सूचना मिली और उन्होंने ये भी बताया कि ये नीचे दिनेशपुर की ओर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर दिनेशपुर में अपना नाका लगा दिया और हम लोग उस पिकअप को ढूंढने के लिए आगे को चले गए। नाका यहाँ पर छोड़ो, एक लड़का है मोटरसाइकिल में था, उसको हिट किया था, उसके परिजन उसको अस्पताल ले जा चुके थे। आज प्रातः सूचना मिली थी उसकी मृत्यु हो गई है, पंचनामा भर दिया गया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी, यहां इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है, यहां आम नहीं बबूल उगता है, यहां खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है, चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है, प्यास बदले की प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है बीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ बीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता की जुबानी जंग अभी जारी है। इस जुबानी जंग का नया रुख देते हुए मनीष सिसोदिया ने अपने उत्तराखंड दौरे का ऐलान कर त्रिवेंद्र मॉडल पर डिबेट करने की बात रख दी है, जिससे जानकारी आप प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने प्रेसवार्ता कर दी। प्रेसवार्ता के दौरान रजिया बेग ने बताया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने सर्वचौक स्थित IRDT के ऑडिटोरियम में त्रिवेंद्र मॉडल पर चर्चा में भाग लेने के लिए आग्रह कर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से किया है। उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया जी देहरादून के दौरे पर आए थे और आपने जनता से चर्चा के दौरान ये बात कही थी और प्रेस के माध्यम से ये बात कही थी कि उत्तराखंड की सरकार ये जीरो वर्क सरकार है,
अपने पांच कामों को गिना दें, चार साल के अंदर जनता के लिए रोजगार, बिजली, पानी, तमाम मुद्दों के मुद्दों को लेकर कि आपने पांच काम ऐसे किए हों जो जनता के हक में हों। देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है, जिसको लेकर सरकार स्वास्थ्य महकमे तैयारी कर ली है। इस पिक्चर में कैमरा भी है, किरदार भी है और एक्शन भी, लेकिन पिक्चर का हीरो यानी वैक्सीन नहीं है। अभी सिर्फ ड्राई रन यानी एक मॉक ड्रिल के तरह शुरू किया गया है। ड्राई रन आज उत्तराखंड के काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून समेत कई इलाकों में किया गया। ड्राई रन तैयारियों को लेकर महकमा पूरी तरह मुस्तैद दिखा। पूरे प्रदेश में 125 लोगों को प्रशिक्षण के लिए, जिसमें स्वास्थ्य महकमे के 7 पुलिसकर्मी भी शामिल है। जी, कल एक्चुअली मेरे पास रात में लगभग 7:30 बजे एक मैसेज आ गया था कि आज 10 से 12 के बीच में गांधी शताब्दी में आपका वैक्सीनेशन होगा और आप इस समय उपलब्ध रहें। तो उस हिसाब से मैं 10 बजे यहाँ पे आ गया था और यहाँ पे पुलिस वाले जो स्टाफ वाले हैं वो खड़े हुए थे। उन्होंने मेरी आईडी चेक करते हुए और अपने रजिस्टर में मेरा नाम मैच करते हुए, आईडी, मोबाइल नंबर, सारा डेटा मैच करते हुए मुझे अंदर जाके वेटिंग करने के लिए बोला, जहाँ पे 4 लोगों के अरेंजमेंट था वेटिंग के लिए। और उससे पहले ही वैक्सीनेशन एक किसी बंदे की चल रही थी। उसके बाद मुझे कॉल किया गया, अंदर बुलाया गया, अंदर दोबारा मेरी आईडी वगैरह सारी चेक करी गई और आईडी चेक करने के साथ साथ मेरे से सारी डिटेल ली गई कि कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आदि, लेकिन मुझे इसमें से कुछ भी नहीं था। उसके ड्राई रन के तहत यहाँ पर जो कोविड का वैक्सीनेशन का जो एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, उसके तहत 25 लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है और उन लोगों को यहाँ पे उनकी सूची बनी है, उनको ऑनलाइन मैसेज के माध्यम से पूर्व में ही सूचना दी गई है और यहाँ पे अभी तक 13 लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य जो कार्य होना था वो पूर्ण हो चुका है। और यहाँ पे प्रशासन की तरफ से मेनली ये था कि आने वाले समय में जब हम प्रॉपर तरीके से वैक्सीन लगाने का कार्य करेंगे उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां रह जाएंगी, उसको चेक करना था। और ऑलमोस्ट मैं संतुष्ट हूं कि लगभग यहां पर जो भी कार्यक्रम प्रशासन की तरफ से, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, फोर्स की तरफ से जो वैक्सीनेशन के लिए तैयारियाँ होनी थी वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं। पूरे देश भर में ड्राई रन का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून के 5 जगह पर, 5 स्थानों पर जो है कैंप लगाया गया है, जहां पर कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन को ट्रायल पर लोगों को दिया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं जन शताब्दी हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर एक मॉक ड्रिल हुई है जिसमें देख सकते हैं ये पेशेंट को ले जाया जा रहा है। एक प्रोसीजर है जिसमें वैक्सीन इसको एज अ डेमो दिया गया है और उसके बाद अगर तत्काल अगर कोई प्रॉब्लम आती है पेशेंट को तो किस तरीके से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या एम्बुलेंस सेवाएँ हैं वो किस तरीके से सक्रिय रहेंगी आने वाले समय के लिए, वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के लगातार जो है स्वास्थ्यकर्मी अपने कार्य को बखूबी निभाने में लगे हुए हैं। और जल्द ही जिस तरीके से वैक्सीन का दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन जो है लोगों के लिए कारगर साबित होगी और जल्द ही लोगों को इसका आराम जो है वो मिलने लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जो है वो साफ तौर पर स्वास्थ्य महकमे में देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश्वर मार्क, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। देश में कोरोना वैक्सीन एक्सपर्ट पैनल ने अपनी सिफारिश केंद्र को सौंप दी। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SSI की कोविशील्ड को भारत बायोटेक को वैक्सीन को सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश की है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को नए साल के पहले दिन बड़ी सौगात मिली। अब देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिलने की औपचारिकता भर रह गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोरोना पर विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड शील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। अंतिम मंजूरी के लिए इसे देश के दवा महानियंत्रक विजी सोमानी के पास भेजा जाएगा, जो कभी भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्स्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन को भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड शील्ड के नाम से तैयार कर रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को SEC ने सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से पेश किए गए ट्रायल के डाटा के गहन परीक्षण के बाद इसे इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित पाया और इसके लिए अनुशंसा करने का फैसला किया।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक ने SEC को मांग के मुताबिक ट्रायल का अतिरिक्त डाटा मुहैया कराया था, लेकिन फाइजर ने अभी तक अतिरिक्त डाटा नहीं दिया। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के अतिरिक्त डाटा का SEC विश्लेषण कर रहा है और माना जा रहा है कि उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देने की अनुशंसा कभी भी की जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कोविड शील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद अगले हफ्ते कभी भी टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। भारत में पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की तैयारी की गई है। इसमें 1 करोड़ डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी और 50 साल से अधिक उम्र और पहले से ही गंभीर रोगों से संक्रमित 27 करोड़ लोग शामिल हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। खबर लक्सर से, जहां पंचेश्वर महादेव मंदिर में शौचालय निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान का विरोध करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान पति ग्रामीणों और उनके साथ अभद्र भाषा में हाथ में काटने की बात कर रहा है, जिसको लेकर लक्सर तहसील प्रशासन ने शौचालय निर्माण के कार्य को यथास्थिति करवा दिया गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यह ग्राम प्रधान पैसे की बंदरबांट करने को लेकर शौचालय निर्माण मंदिर परिसर की भूमि पर करवा रहा है, जिससे वो मोटी रकम हड़पने की फिराक में है। ये बिल्कुल गलत था, निराधार मामला इसका कराना चाहिए। मंदिर में तो कोई लैट्रिन थोड़े बना, मंदिर में हम उसे कहते धर्मशाला बना दो भाई। लैट्रिन का बनाने का मतलब क्या, लैट्रिन तो अंदर है वहाँ। नहीं देखिए, उसमें कोर्ट से मेरे द्वारा ही डायरेक्शन दिए गए हैं, जिसमें कि तहसीलदार को डिप्यूट किया गया है वहाँ की सारी व्यवस्थाओं की मैनेजमेंट के लिए, और जो कमेटी बनी है वो तहसीलदार की एडवाइस में ही काम करेगी वहाँ पर। तो ये प्रकरण संज्ञान में आया है। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई चीज़ बन रही है दैट्स गुड, बट बाकी चीज़ें जो नॉलेज में आई है उसके माध्यम से उसको चेक करवाया जा रहा है और उसको प्रॉपर उसको चेक करके कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS एजुकेशन ग्रुप लॉन्चेस 20% डिस्काउंट ऑन एकेडमिक फी ऑफ कोर्सेज MBA, BBA, BCA, BFSI एंड GM, D-Pharma, B-Pharma. ऑफर्स बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बेस्ट एकेडमिक सर्विस एंड बेस्ट प्लेसमेंट सर्विस। Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है, यहाँ आम नहीं बबूल उगता है, यहां खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है, चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है, प्यास बदले की प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बाकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बढ़ते रहे साइबर क्राइम को देखते हुए साइबर अपराधियों पर रोक लगाने के लिए कुमाऊं परिक्षेत्र के जनपद उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में साइबर थाना खोला गया है। वर्तमान परिवेश में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकथाम और अनावरण के
दृष्टिकोण से साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के जानने के लिए उत्तराखंड राज्य में देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित है। बता दें कि देश भर में आए दिन बढ़ते साइबर अपराधियों की दृष्टि से उत्तराखंड में कुमाऊं परिक्षेत्र में भी एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को खोले जाने की काफ़ी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आपको बता दें कि वहीं सिडकुल चौक रुद्रपुर में कुमाऊं परिक्षेत्र के अस्थायी साइबर पुलिस थाने का SSP दिलीप सिंह कुंवर द्वारा शुभारंभ किया गया। आज बड़ी खुशी की बात है कि नौ वर्ष के पहले दिन उधम सिंह नगर में अस्थाई साइबर थाना का उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। पहले उत्तराखंड में जैसे आप लोग सभी विदित हैं कि देहरादून में खोला गया था और कुमाऊं क्षेत्र से जितने भी साइबर से रिलेटेड जितने क्राइम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज वहाँ जाते थे ज़रा कुछ व्यवहारिक दिक्कतें दूरी के लिहाज से लोगों को होता था, अब वो समस्याओं का निराकरण हो गया है। भारत नेपाल सीमा के सीमांत क्षेत्र कटिवा के सुरई रेंज के जंगलों के बीच वर्षों से लगने वाला भारा मल बाबा जी का 3 दिवसीय मेले का समापन हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक पुष्कर सिंह धामी ने परिवार सहित बाबा का भंडारा ग्रहण कर क्षेत्रवासियों के साथ होने वाली पूजा में शिरकत की। उन्होंने बताया कि वर्षों से चले आ रहे बाबा के स्थान पर 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन व पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश से सभी लोग यहाँ भारा मल बाबा की समाधि पर मत्था टेकने के दर्शन के लिए आते हैं। हमारा जो भारामल बाबा का मंदिर है ये बहुत ही पौराणिक है और बहुत ही मैं कहूँगा कि सच्चा दरबार है और बीच में चारों तरफ से देखिए वनों से आच्छादित है और बीच वन के बीच में बाबा की कृपा से ये स्थान यहाँ पर है। और यहाँ पर केवल हमारे उत्तराखंड के लोग नहीं, खटीमा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से आसपास के ज़िलों से बरेली, पीलीभीत, नवाबगंज, शाहजहाँपुर, सीतापुर और लखनऊ तक के लोग यहाँ पर आते हैं और उत्तराखंड के आसपास के लोग आते हैं, नेपाल के भी लोग यहाँ आते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल सहित पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण ठंड से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ते ही नैनीताल के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वरिष्ठ चिकित्सक MS दुगताल ने बताया कि ठंड बढ़ते ही ठंड वायरस बढ़ने लगता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। निमोनिया, अस्थमा सहित ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठंड में जो बहुत सारे जैसे वायरस है और हमारे ब्लड प्रेशर है और भी जो हमारे ठंड के कारण से जो बीमारियां हैं वो सामने आ रही हैं, चाहे वायरस में खांसी, सर्दी, जुकाम हो, टॉन्सिलाइटिस हो और निमोनिया हो, सांस लेने में दिक्कत हो, हमारे जो दमे की बीमारियां हैं वो सामने ज़्यादा आ रहे हैं। और साथ में जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसकी वजह से हार्ट में जो प्रॉब्लम हो रही है वो केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें हमें प्रिकॉशन यह है कि हमें ठंड से बचें, हमेशा जो है गर्म कपड़े को पहने और गर्म खाना को खाएं। गढ़वाल सांसद नए साल पर चमोली जनपद के भ्रमण पर रहे। कर्णप्रयाग में उन्होंने के न्यूज़ इंडिया से बात करते हुए कहा कि 2020 कोरोना काल चला गया, कोरोना काल देश के साथ दुनिया के लिए कष्टकारी रहा, 2021 सबके लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहाड़ में रेल का चलना उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग उनके सांसद क्षेत्र में प्रारंभ हो रहा है। हमारे लिए आवश्यक भी है और हम पूरे देश को पानी देते हैं, हवा देते हैं और उसी के कारण कोविड में हम लोग इतना बचे रहे और राहत पाए हैं, वही एक कारण था कि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, लेकिन कई विकास कार्यों में वो आड़ा बनता है। तो उसको मैं सोचता कि आज उसके लिए भारत सरकार ने भी काफ़ी शिथिलता बरती है कि विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और कहीं भी गंगोलीहाट विधानसभा के चौंडमान्या के दौला उत्प्रेती तक 4.5 करोड़ रुपए बन रही सड़क को 2 फेज का उद्घाटन विधायक मीना गंगोला ने किया है और कहा है कि आने वाले वर्षों में हर गांव में सड़क की सुविधा की जाएगी। नागौर गांव में पर्यटक स्थल का भी उद्घाटन विधायक मीना गंगोल ने किया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुनकर मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया, सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर विकास कार्यों की भी जानकारी ली। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला, भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिश्त सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। एक दुरुस्त क्षेत्र जो विधानसभा चुनाव से पहले जनता को वादा किया था, चौड़मनिया दौला उपरेती सड़क, उसका आज
पार्ट टू का उद्घाटन किया और जो 4.25 करोड़ से उसका उसमें डामरीकरण होगा और वहाँ पे जा करके एक बूथ पे भी हमने कार्यक्रम किया और वहाँ पे तहसील स्तर ब्लॉक स्तर के सारे अधिकारी कर्मचारी थे और मौके पे ही पूरे क्षेत्र का विकास कार्यों का जो भी परेशानियाँ थी उसका समाधान भी किया। लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ लक्सर SDM पूरन सिंह राणा व तहसीलदार सुशीला कोठियाल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 डंपर और 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध खनन की धाराओं में सीज किया गया है। आपको बता दें कि बीते 5 दिनों पहले तहसील प्रशासन ने अवैध खनन में लिप्त 5 वाहनों को सीज किया था। लक्सर हरिद्वार रोड पर पुलिस पिकेट के सामने अवैध खनन से भरे वाहनों के गुजरने के काफी दिनों की सूचना मिल रही थी। तहसील प्रशासन की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई देख कई खनन माफिया अपने अपने वाहनों को भगा ले जाने में कामयाब रहे तो कई वाहन स्वामी वाहन छोड़कर भागते नजर आए। खबर देहरादून से, जहां नए वर्ष के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने शासकीय आवास पर विधानसभा के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक, मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कई विधायक मौजूद रहे। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोविड-19 के चलते 2020 सभी के लिए बहुत बुरा रहा। उन्होंने बताया कि नव वर्ष के मौके पर विधानसभा के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया है। के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं और जिस प्रकार से 2020 हम सभी ने बहुत कठिनाइयों के साथ व्यतीत किया और 2020 गया और हम सोच रहे हैं कोरोना भी जाए, इसको लेके जिस प्रकार से हम सभी लोग बहुत उस दौरान हम सब ने बहुत सी परेशानियां झेली, तो आज नए सूरज का उदय हुआ है, नव वर्ष का एक पहला दिन है, मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ। उधम सिंह नगर के जिले सीमान क्षेत्र खटीमा में अलग अलग जनपदों से आए भूतपूर्व सैनिक संगठनों के लोगों ने थारू विकास भवन में 41वां कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड के जनपद में 20 कुमाऊं रेजिमेंट के रिटायर्ड सैनिक व अफसरों ने कुमाऊं के गीतों पर नाच गाना गाकर नए वर्ष की स्वागत कर स्थापना दिवस की धूमधाम से मनाया। आयोजित कार्यक्रम में सैनिकों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तराखंड में अलग अलग जनपदों से 20 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिक खटीमा के थ्रू विकास भवन में 20 कुमाऊं की स्थापना दिवस का जश्न मना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि खटीमा पूरा क्षेत्र पूरा सीमांत क्षेत्र है और यहाँ पर पूरा सैनिक बहुली क्षेत्र है और हम आज अपनी यूनिट का 41वां वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारी यूनिट 20 कुमाऊं रेजिमेंट है। 20 कुमाऊं के समस्त सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों अधिकारियों सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और इस अवसर पर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी पेश करता हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए। यहां इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है, यहां आम नहीं बबूल उगता है, यहां खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है, चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है, प्यास बदले की प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए